तो वहीं ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमपी में विदाई से पहले एक बार फिर मॉनसून बरसेगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 24 सितंबर से बारिश का एक और दौर शुरू होने वाला है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी हल्की बारिश होगी। साथ ही आपको बता दें कि मॉनसून की विदाई से पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 24 सितंबर से मध्य प्रदेश में बारिश का एक और दौर शुरू होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मौसम की ओर से, जहां जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में भी बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। साथ ही बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में भी हल्की बारिश होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रहा है। देखिए, मॉनसून अपने अंतिम चरण में है और साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून बरसता हुआ देखा जाएगा। 24 सितंबर से एमपी में बारिश का एक और दौर शुरू होने वाला है, एक नया सिस्टम एक्टिव होगा। साथ ही आपको बता दें जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी हल्की बारिश हो सकती है।